पलामू से एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है। घर में शादी की तैयारी के मनोरंजक माहौल में किसी ने सोचा नहीं था कि अचानक दुख का ऐसा पहाड़ टूटेगा जिसकी कसक पूरी जिंदगी रह जाएगी। धनबाद के जोड़ा पोखर थाने में मुंशी के पद पर पदस्थापित छतरपुर के कौवल निवासी अखिलेश प्रसाद यादव शनिवार की शाम छुट्टी लेकर अपने घर लौटे थे। 21 अप्रैल को बहन का तिलक जाना था और 26 अप्रैल को शादी होनी थी। शादी की तैयारियां जोरों पर थी, लेकिन पत्नी और बेटे को स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानी थी। दोनों का इलाज कराने के लिए अखिलेश प्रसाद यादव अहले सुबह करीब 3 बजे घर से निकले थे, लेकिन डॉक्टर तक इलाज कराने पहुंचने से पहले ही सतबरवा थाना क्षेत्र के पोखराहा गांव में ऐसा सड़क हादसा हुआ कि उनके पूरे परिवार पर दुख का पहाड़ तोड़ डाला। स्विफ्ट डिजायर से अपनी पत्नी और बच्चे के अलावा मनीष नाम के गांव के युवक के साथ जा रहे अखिलेश प्रसाद यादव की कार में ट्रक से सीधी टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। आसपास के लोग कड़ी मशक्कत के बाद कार सवारों को कार से निकाल पाए। अखिलेश प्रसाद यादव और उनका 10 वर्षीय बेटा मौके पर ही दम तोड़ चुके थे। पत्नी प्रमिला देवी इलाज के दौरान MMCH में दम तोड़ दी। वहीं गंभीर अवस्था में मनीष को रिम्स रेफर किया गया। एक साथ पति पत्नी और बच्चे की मौत के बाद उनके परिवार सहित पूरे इलाके में मातम का माहौल है। अखिलेश प्रसाद यादव के 2 और बच्चे हैं, एक बेटा 12 साल का है, वहीं दूसरा महज 3 साल का है। उन दोनों बच्चों को छोड़कर वे रांची जा रहे थे। हादसे के बाद रांची मेदिनीनगर पथ जाम हो गया। करीब 3 घंटे के बाद गाड़ियों को हटाकर आवागमन सामान्य किया गया। ट्रक ड्राइवर भी ट्रक छोड़कर फरार हो गया है। सुबह सूचना मिलती है 4:45 बजे के लगभग कि पोखराहा के पास दुर्घटना हो गई एक ट्रक और एक कार के बीच में। तुरंत पुलिस बल के साथ वहां पे पहुंचते हैं तो देखते हैं तो कुल 4 कोई वहां लगभग घायल थे, उसमें 2 कोई जो गंभीर रूप से घायल थे उनको तुरंत प्राइवेट वाहन से ही सदर अस्पताल डाल्टनगंज भेज दिया गया जाता है, और 2 कोई बुरी तरह से फंसे हुए थे गाड़ी में तो उनको पुलिस और ग्रामीणों को मदद से उनको निकाला गया क्योंकि और सदर अस्पताल भेज दिया गया एम्बुलेंस की मदद से। तो बाद में पता चलता है कि 3 कोई डेथ कर जाते हैं और एक अभी गंभीर रूप से घायल था, उनको रिम्स रांची रेफर कर दिया गया है।